द टीचिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे AWES एग्ज़ाम जो होने वाला है नवंबर 2022 में, उसके बारे में। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी जो एग्ज़ाम करवाती है आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचिंग वैकेंसीज़ के लिए, तो इसका एग्ज़ाम जो नवंबर में हो रहा है, तो एग्ज़ाम ये इसकी डेट इन्होंने 5 और 6 नवंबर इसमें बताई हुई है। इसके बाद जो क्वालिफाई हो जाएंगे तो उनका इंटरव्यू होता है। तो आपको जब भी वैकेंसी निकलेगी किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो उस स्कोर कार्ड के बेसिस पर जो है इंटरव्यू होगा, फिर सिलेक्शन होता है। PGT की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स, और BEd में 50% मार्क्स, TGT में भी 50% मार्क्स, और BEd में 50%, और PRT की हम बात करें तो ग्रेजुएशन में 50% या और इसके साथ ही DLED या फिर BLED में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। सी टेट या फिर टेट मैंडेटरी नहीं है एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए, लेकिन अगर आपकी अपॉइंटमेंट होती है तो उसमें आपके जो है स्टेट का टेट या फिर जो है सी टेट आपका जो है इसमें चल जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए 40 ईयर्स नो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए 57 ईयर्स है, और फिर मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। एग्ज़ाम 5 और 6 नवंबर का है, इसमें बताया हुआ है साफ साफ, और इसमें 200 मार्क्स का पेपर होगा सभी सब्जेक्ट का अलग अलग। इसमें 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो 25 अगस्त से लेकर 5 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और एडमिट कार्ड आएंगे 20 अक्टूबर को। एग्जामिनेशन होगा 5 और 6 नवंबर का। रिजल्ट की अगर बात करें तो 20 नवंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका जो इस टाइमलाइन के ड्यूरेशन के दौरान ही इसका जो पूरा प्रोसेस हो जाता है, इनका ये हर साल होता है। तो ये पूरी इनकी आर्मी पब्लिक स्कूल्स की लिस्ट है, ऑल इंडिया लेवल पे 136 स्कूलों की लिस्ट इसमें दी हुई है। तो इसमें सब्जेक्ट भी बताए हुए हैं किन किन सब्जेक्ट में वैकेंसी आने वाली है, तो सब आप देख सकते हैं इसमें, जिन भी सब्जेक्ट की है सबकी वैकेंसी इसमें है। तो एलिजिबिलिटी का हम देख चुके हैं, 50% मार्क्स आपके बीएड और आपके डिग्री में होने चाहिए, ये बस सब्जेक्ट स्पेसिफिक अलग से बताया हुआ है। PGT कंप्यूटर साइंस की बात करो तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, बीटेक CSIT हो या फिर बीटेक एनी स्ट्रीम एंड पोस्ट PGDC हो चल जाएगा इसमें, MSc कंप्यूटर साइंस MCA हो चल जाएगा, BCA या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो आपकी सब्जेक्ट में तो भी चल जाएगा। BEd इसमें ज़रूरी नहीं है कंप्यूटर साइंस या फिर IT के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए BEd इसमें चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न इन्होंने बताया हुआ है, सेक्शन ए बेसिक GK एंड करंट अफेयर्स 10%, पेडागोजी एंड करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स 10%, एकेडमिक प्रोफिशिएंसी 80%। तो ये सब का डिफाइन इसमें किया हुआ है। एग्जामिनेशन सेंटर्स देख सकते हैं, पूरी लिस्ट दी हुई है, 67 एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। तो ये थी इसकी डिटेल। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है वो इस फॉर्म को भर सकता है, और इसमें जॉब कैसे मिलती है वो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।